स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमने सेल ऑर्गेनेल्स चल रहे थे आपके, तो गॉल्जी एपरेटस करा दिया था हमने, लाइसोसोम्स करा दिया था। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए ध्यान से देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे। माइटो का मतलब होता है बेटा थ्रेड, क्या मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेनुल, ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे दाने से इस टाइप में होते हैं, उसे ग्रेनुल बोल देते हैं हम, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ इसका मतलब यही पे है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आउटर वाली ये जो लेयर है, इसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर वाली जो मेम्ब्रेन है, इसे बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। तो नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसे याद करने में, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन ये वाली हो जाएगी आपकी, और इनर मेम्ब्रेन आपकी अंदर वाली हो जाएगी, ठीक। इसके अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, जैसे इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, और राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है ना। तो ये हमने न्यूक्लियस में आपको बताया था कि वहाँ पर किस तरीके से राइबोसोम्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो दो चीज़ें यहाँ पर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये अंदर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे मैट्रिक्स बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसे मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बनावट की, स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, आप देख रहे हैं ना, एक मेम्ब्रेन ये और एक मेम्ब्रेन ये, तो हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ग्रेनुलर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया है, जब सेल स्टार्ट किया था वहाँ पे, तो बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार के सेल बताए गए थे वहाँ पे। प्रोकैरियोटिक सेल जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल, भाई सेल ऑर्गेनेल्स हैं आपका, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, तो वो आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा, तो हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। डबल मेम्ब्रेन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर वाली और एक इनर वाली, ठीक है। यही बात करें इसकी, कंपोजिशन है आपका, ये प्रोटीन प्रेजेंट रहता है इसमें, प्रोटीन से बना है, प्रोटीन डीएनए, ठीक है ना, लिपिड भी है, लिपिड्स और आरएनए भी है, ठीक है। ये जो डीएनए और प्रोटीन, ये दो चीज़ें प्रेजेंट होने के कारण इन्हें हम सेल्फ रिप्लिकेटिव ऑर्गेनेल भी बोल देते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल बोल देते हैं। इसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, सारे काम ही अपने आप कर लेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। बाकी जो ऑर्गेनेल है आपके सेल्फ रिप्लिकेटिव नहीं है, ये आपका जो है सेल्फ रिप्लिकेटिव ऑर्गेनेल है, ठीक है ना, क्योंकि सारे काम भी अपने आप कर लेता है। यहाँ तक बात, ये तो थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। तो देखिएगा, फंक्शंस
अगर फंक्शन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, ये सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रहता है इसमें, लिख सकते हैं इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो होता क्या है बेसिकली, फूड जो है आपका वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस यहाँ से ब्रिक होता है फूड जो आपका सिंपलर सब्सटेंस, और एनर्जी स्टोर की जाती है, स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बहुत पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जो है स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी फॉर्म में होती है। इसका पूरा नाम होता है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये याद रखना है हमने, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है फुल नेम ऑफ द एटीपी एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। तो एनर्जी जो स्टोर की जाती है वो किस फॉर्म में की जाती है, एटीपी फॉर्म में की जाती है। और ये जो एटीपी फॉर्म में एनर्जी स्टोर की गई है ये सेल के द्वारा यूज़ कर ली जाती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है ना। सेल यूज दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ विभिन्न एक्टिविटीज़ करने के लिए सेल इस एनर्जी को यूज़ करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहता है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ तक, बाकी जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हैं हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।